सदेव्यः ॐ नमः सदेव्यः ॐ नमः सदेव्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणी मंगलं पुष्पदंत्याभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं तुभ्यं नमः त्रिभुवनाथ हराय नाथ तुभ्यं नमः चितितलामलभूषण तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय पुष्प दंत को नित नमो तजने को अज्ञान दो आशीष गुरु मुझे पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण पाऊं में निर्वाण। बोलो देवादि देव आदिनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक परसनाथ भगवान की बाहुली गोमेश्वर भगवान की बात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव सुवाद पुष्पदंत सागर जी महाराज की विश्व धर्म की अहिंसा में परमो धर्म की ब्रह्मचार्य से प्रमुख सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की तब से बात आज लगभग 11 महीने प्राण आचार्य भवन के चरणों में बैठने का सवाल करा था और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया है। इसी चरणों में मुझे जो आज तक न प्राप्त हुआ हो वो गुरुदेव के चरणों में बैठकर पूर्णता और संपूर्णता को प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना जीवन में जो दूसरों को मार्ग बताए उन्हें संत कहते हैं, जो दूसरों को मार्ग बताए उन्हें संत कहते हैं, जो श्रम तले दूसरों को उतारे उन्हें भगवंत कहते हैं, जो हम सबकी नैया पार लगा दें उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं, जो हम सबकी नैया पार लगा दें उन्हें गुरु पुष्पदंत कहते हैं। आचार्य भवन की करुणा वात्सल्य प्रेम कितने भी शब्द बोल दो वो सब छोटे हैं, इनका प्रेम इनकी आशीष इतना ही है कि जब जीवन में बरसता है तो बाहर की वस्तु बाहर रह जाती है पर आप तब की वस्तु को प्राप्त करने की कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इतना ही ख्याल करो आचार्य भगवान एक ऐसे मसीहा हैं जो हर किसी को मिलते नहीं। आचार्य भगवान एक ऐसे जीते जाते संत हैं भगवंत हैं तो पाषाण में भी परमात्मा का रूप धारण करा दिया करते हैं। आचार्य भगवान एक ऐसे मैं तो कहता हूं कि जीवन में जब जब मेरा जन्म हो तब तक मुझे ऐसे भगवान मिले और ऐसे भगवान जब तक निर्वाण ना पाऊं तब तक इनके चरण मिलते रहें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। पहले मुझे बात पहुंचाइए भगवान आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ ही जाऊंगा। आचार्य भगवान का एक ऐसा भाषण में पता नहीं सोते जागते केवल एक ही और वैसे तो मैं बहुत कुछ सोचता हूं लेकिन आचार्य के चरणों में सब भूल जाता हूं लेकिन फिर भी आचार्य के प्रेम आचार्य का करना बहुत है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा पुष्पी तीर्थ केवल मध्य प्रदेश का तीर्थ नहीं, बहुत से तीर्थ के नाम उठते हैं चलते हैं लेकिन वही के वही रह जाते हैं। और मैं तो कई बार ये सोचता हूं कि जैसे पहले तीर्थंकरों ने पुनर्जन किए भगवंतों ने पुनर्जन किए वैसा ही पुण्य मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान ने अर्जन किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि ऐसा पुनर्जन किया बाकी के साधुओं के शिष्यों को देखता हूं तो कोई इधर कोई उधर और इधर कहीं नहीं जाना कहीं इधर ही इधर ठिकाना हो तो देखो आप विचार करना क्योंकि इनके आचार्य भगवान का पुण्य है उनकी क्वांटिटी ज्यादा नहीं है क्वालिटी नंबर वन है।
अब ख्याल करना क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, क्वालिटी जब नंबर वन है और एक एक शिष्य आचार्य श्री के प्रति समर्पित है, इस तीर्थ के प्रति समर्पित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आचार्य भगवान का एक इशारा हो जाए ना सपने में भी, तो कोई शिष्य उनकी आज्ञा को टालता नहीं है, तुरंत दौड़े दौड़े पहुंच जाए। जीवन में विचार करो आचार्य भगवान, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी लोग आते हैं बोलते हैं कि आचार्य श्री का सबसे बड़ा संघ प्रमुख सागर जी का है, प्रमुख सागर जी का है, और आपने आप विचार करना तरुण सागर को देखें तो तरुणाई दिखती है, प्रज्ञा सागर को देखें तो उनके अंदर ज्ञान की झलक दिखती है, प्रसन्न सागर को देखें तो प्रसन्नता दिखती है, अरुण सागर को देखें तो अरुणाई दिखती है, और जो कहीं दिखती नहीं है अंदर रहती है वो सौरभ सागर की सौरभ दिखती है, जो बाहर नहीं दिखती है लेकिन अंदर बाहर से दिखती है। आप विचार करना, सब लोग प्रणाम भी करते हैं बाहर से, विचार करना अंतरंग से हो जाए तो काम, और तो और प्रतीक भी बन जाते हैं, प्रगम से काम कर लेते हैं, लेकिन गुरुदेव ने तो मुझे प्रमुख बना दिया कि जिसके लिए हर कोई तरसता है कि मैं इस क्षेत्र में प्रमुख हो जाऊं, उस क्षेत्र में प्रमुख हो जाऊं, मैं ये कार में प्रमुख हो जाऊं, लेकिन गुरुदेव ने तो मुझे खुद प्रमुख बना दिया और मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं। बस इतना ही कहता हूं कि भगवान मुझे इतना आशीर्वाद दे दो इस सृष्टि पे सबसे बड़ा आचार संघ हो तो गुरुदेव पुष्प दंत सागर जी का हो, क्योंकि वो संघ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कभी 13 के चक्कर में नहीं पड़ते, 20 के चक्कर में नहीं पड़ते, और सभी जब जहां जाओ कोई 13 में उलझा है और कोई 20 में उलझा है, कोई अपनों में उलझा है, कोई परायों में उलझा है, एक ऐसे संत हैं जो हर किसी के लिए द्वार खोल देते हैं। मुझसे भी गुरुदेव ने 3 ही बार कही थी, बेटा जाओ तो कभी इन चक्रों में नहीं पड़ना, और वास्तव में वही चीज आज मैं देख रहा हूं, समय नहीं है आचार्य भगवान को सुनना है, क्योंकि कोरोना के समय में सबने कोना पकड़ रखा था। ख्याल करना, अब कोरोना को हराना है तो आचार्य भगवान की वाणी को सुनना है। 2021 की शताब्दी में हमें इतना ही ख्याल करना है कि कोरोना को कैसे हराना है, गुरुदेव थ्योरेटिकल भी बताएंगे और प्रैक्टिकल भी बताएंगे। ख्याल करके रखना, जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, आज चावड़ा के लोग ये युवा बच्चे हमारे साथ जो चले, इनके माँ बाप आकर कभी कभी कहते थे महाराज आशीर्वाद दो बच्चे मेरे घर में आ जाए, आशीर्वाद दो महाराज बच्चे मेरे मंदिर आने लगे, अब इनके माँ बाप हमसे कहते महाराज आशीर्वाद दो बच्चे घर पे वापिस आ जाए। क्या करना, मैं तो अच्छा सिद्ध नहीं है आशीष मांगता हूँ भगवान। जावरा बहुत अच्छी समाज है, जावरा हुआ बाबरा, और ऐसी समाज है भगवान, आस पास वहां से जब भी कोई संत निकलते हैं जरूर भक्ति करते हैं, और इनको एक आशीर्वाद दे दो भगवान इन बच्चों को और इन बड़ों को कि और संन्यास के पथ पर भी आगे बढ़ जाए तो उस दिन हमारा जीवन और सार्थक होगा। बच्चों ने बहुत नियम दिए, बस अब थोड़े से इनको और धक्का लगाने की जरूरत है। वैसे तो संन्यास पैदा हो तो धक्का लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है, पुण्य सब कुछ करा देता है। अच्छा भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आज जन्म महोत्सव पर मुझे सौभाग्य मिला, पूज्य सौरभ सागर जी महाराज जो मेरे एक आदर्श के रूप में बने, जिन्होंने मुझे गृहस्थ अवस्था में भी पढ़ाया और उन्होंने बहुत पुण्य मुझे दिए, सौभाग्य देते रहे। मैं इतना ही कहूंगा आचार्य भगवान आपकी आशीष अनुकम हमेशा बरसते रहे। मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ आपका, बस कभी हमें आंखों से दूर नहीं करना। गुरुदेव ने एक बात कही थी, बेटा दिल में श्रद्धा है तो दूर रहकर भी पास हो, और श्रद्धा खत्म हो गई तो पास रहकर भी दूर होते हो। तो भगवान दिल में आत्मा में समय हमेशा आपके प्रति, कभी सपनों में गलत नहीं सोचता हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना और अपने से कभी दूर निकलने। ओम नमः जय मंगलम भगवान।